साथ जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। विधानसभा घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मंच पर सचिन पायलट और भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और दीपक बैज भी मौके पर पहुंच चुके हैं। विष्णुदेव साय की सरकार असफल हो गई, ये चरणदास महंत ने कहा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 260 से ज्यादा नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं। तो देखिए, सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और उसको लेकर देखिए, पहले से ये तैयारी थी कि आज कूच किया जाएगा और सभी जो कार्यकर्ता है, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, चरणदास महंत और ये सभी पहुंच चुके हैं मंच पर और अब घेराव जो है यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए, बारिश के बीच कांग्रेस का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी है। बारिश की वजह से लोग आंदोलन में नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद कुर्सियां खाली देखी गई हैं, जिस पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन में शामिल होने के लिए लोग निकले हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। पर कांग्रेस जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के विधानसभा घेराव में बारिश का खलल पड़ रहा है। तस्वीरें देखें कि यहाँ पर लोग छाता लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उम्मीद कांग्रेस को थी कि जितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो अभी तक उनकी संख्या इतनी नहीं पहुंची। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी, कानून व्यवस्था बालोदा बाजार का मसला को लेकर घेराव कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा था। सत्ता पक्ष बालोदा बाजार घटना में आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये आंदोलन किस तरीके से आम आदमी का खेल ऐसा है। सत्ता पक्ष को न्याय देने का काम है। आज किसान परेशान है, काम है कि वो जनता को सुविधा दे। सत्ता पक्ष का काम है प्रशासन आगे राजनीति का, वो केवल और केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में अपना समय व्यर्थ कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों से, जिन गारंटियों से उनकी सरकार बनाई है, उसमें वो पूरी तरह से आज इन्होंने गारंटी दी थी 500 रुपए सिलेंडर की। कहाँ है 500 रुपए सिलेंडर? गारंटी दी थी 1 लाख युवाओं को जो रिक्त पद है शासकीय, उसमें नौकरी देंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आज आज गुंडा टैक्स के लिए खुले आप चुनौती छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। क्या ये पहले हुआ करता था? व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, गोलीकांड हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है। और बलौदाबाजार का जो मामला है, फेलियर है शासन प्रशासन का। अपने ऊपर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने की जगह, अपना इस्तीफा देने की जगह वो कांग्रेसियों पे आरोप लगा रही है। ये आसान है, लेकिन न्याय करना उनका। विधानसभा घेराव के लिए आप लोग निकल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है बारिश की वजह से जितनी आपको उम्मीद थी उतने लोग नहीं? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत लोग, हजारों हजार लोग रास्ते में हैं। हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि जिले बाद पुलिस गाड़ियों को रुकवा भी रही है, लेकिन इससे कांग्रेस से डरेंगे नहीं। आज यहाँ पर बहुत मजबूत आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का दावा है कि यहाँ पर मजबूत आंदोलन होने वाला है। हालांकि अभी तक की स्थिति में ये है कि कुर्सियां पूरी खाली हैं और कांग्रेस का जो मंच बनाया गया उसमें कमजोर हो चुका है। जिस संख्या में लोगों का होना चाहिए था वो नहीं, लेकिन ये दावा है कि कुछ देर में यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग। कैमरा पर्सन तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो विधानसभा घेराव करने की तैयारी है, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, सभी सीमा रखा है छत्तीसगढ़ में, पार करके रख दिया था। और उसका परिणाम भी हुआ, जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। तो निश्चित रूप से अभी तक तो उन्हीं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जिस चौराहे पे खड़ा करके रखा उन्होंने, और आज पॉलिटिकल उसके लिए इस तरीके से ये घेराव और ये धरना और ये प्रदर्शन, तो जनता तो समझ रही है, सब देख रही है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, थोड़ी देर पहले तस्वीरें देख रहे थे हम, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, विधानसभा घेराव के लिए निकली है कांग्रेस।
अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्या स्थिति मौके पर? अभी की अगर बात की जाए तो अब कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अब अपने सवा पर होता नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखा दें क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब आप देखें कि बैरिकेडिंग का इलाका है जहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे पहले सबसे पहले स्टॉपर रखे हैं। स्टॉपर में कांग्रेस के नेता यहाँ पे चढ़ गए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे चढ़े हैं और इसके पीछे देखें कि बहुत एक मजबूत जो है बैरिकेडिंग की गई है। टीन के जो चादर होती है उसको बहुत पुख्ता तरीके से सुरक्षा बलों ने उसको वहाँ पर गाड़ दिया है और उसके पहले बाद में जो है वाटर कैनन तैनात की गई है। आप देखें तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस वाले वाटर कैनन की जो गाड़ी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेताओं का जो भाषण चल रहा है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले रविंद्र चौबे ने कहा था कि हमें बता देना है कि विधानसभा घेराव है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के लिए सीधे कूच करेंगे। तो अब ये कार्यकर्ता यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ढेबर जी ये बताइए कि ढेबर जी पूरे प्रदेश में रोकने की कोशिश की गई है। पूरे प्रदेश में शहर के अंदर कम से कम 100 जगह बैरिकेड बनाए गए हैं मगर उसके बाद भी कोई उत्साह में कमी नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग हर ब्लॉकों से निकल के यहाँ पर आए हैं और सरकार के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस में नहीं जनता में भी आक्रोश है। जो ये भीड़ दिखा रही है इसमें अधिकतर जनता के लोग हैं और 6 महीने में ये सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। हत्या, बलात्कार, चैन स्कैनिंग जिस तरीके से हो रही है, डकैती जिस तरीके से इस शहर और प्रदेश में हो रही है, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ढप है और आज इसी के लिए कांग्रेस 6 महीने की हुआ है सरकार बने हुए हम लोग को रोड में उतरना पड़ गया है। बारिश हो रही थी हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है तो बारिश से कितना प्रभाव पड़ा? नहीं, बारिश में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देख लीजिए ना कहीं पर भी किसी में उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये बैरिकेड भी टूटेगा, वो बैरिकेड भी टूटेगा, दोनों बैरिकेड टूटेगा। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जो दो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है उसको तोड़ कर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और 6 महीने की सरकार है और इन 6 महीने में ही विफल सरकार हुई है। तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है कांग्रेस के नेता पहुँचना शुरू हुए, कार्यकर्ता सबसे पहली पंक्ति में है। इसके पीछे जो मंच बना हुआ है करीब 300 मीटर की दूरी पर, उस मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर उनका भाषण चल रहा है और आखिरी भाषण का स्टेज है और आखिरी के बाद वहाँ से कूच करेंगे और ये बैरिकेड में पहुँचेंगे। कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ पे हैं, क्या नाम? मैं कामरान अंसारी, कांग्रेस पार्षद हूँ। प्रदर्शन में कितनी ताकत लगा रहे हैं? प्रदर्शन में संपूर्ण ताकत लग रही है, 100 नहीं 200% ताकत लग रही है। 100% कांग्रेसियों की, 100% उस जनता की जो इस बीजेपी की सरकार से हताहत हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। क्रिमिनल एक्टिविटीज देख लीजिए, बिजली बिल देख लीजिए, आप हर तरीके से जनता के साथ जो छलावा कर रही है बीजेपी की पार्टी, और साय साय की बात करते हैं पर यहाँ ढाए ढाए हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें पुरजोर तरीके से युवा साथी सब साथी है, पूरी तरीके से युवा साथी साथ में है, ये कहना है कांग्रेस के पार्षद का। और तस्वीरें हम दिखा रहे थे, फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि अब तस्वीरें जो हैं वो अपने सवाल पर हैं क्योंकि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये बैरिकेडिंग है, प्रवीण से दिखाते हैं। प्रवीण थोड़ा तस्वीर दर्शकों को भी दिखाइए कि किस तरीके से, हालांकि कार्यकर्ता अभी पहुँचे हैं, नेता जिस तरीके से पूछ करेंगे तो उसके बाद जो है जो कांग्रेस ने यहाँ पे बोला है कि ये दो दो बैरिकेड जो की गए हैं इनको तोड़कर विधानसभा के लिए कूच करेंगे। हालांकि सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियां की हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं, वाटर कैनन भी यहां पर तैनात किया गया है और ताकि अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो उसको कंट्रोल किया जाए और विधानसभा जाने के पहले ही रोकना है। जैसा कि महापौर से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि शहर की 100 जगहों पर बैरिकेडिंग करके उनके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रोका गया है ताकि वो यहाँ पे शामिल ना हो। बारिश के बावजूद जो है बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये उनका दावा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पे मंडी गेट की हैं और मंडी गेट से लोधीपारा चौक होते हुए विधानसभा का रास्ता जाता है लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहले स्टॉपर लगाए गए हैं, फिर उसके बाद
टीम की चादरों से पूरा कील टोक कर पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और उसके पीछे पुलिस बल वाटर कैनन के ऊपर खड़े हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद वाटर कैनन भी पुलिस यहाँ पर चलाती हुई नजर आएगी। हालांकि कांग्रेसियों का दावा है कि वो पूरी पुरजोर तरीके से इसको तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जी जुल्फिकार, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो गए। बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो बड़े चेहरे कौन कौन से इस वक्त कांग्रेस के वहां मौके पर मौजूद है, पहुंच चुके हैं? कांग्रेस के बड़े चेहरों को भी हम दिखाएंगे, हम उस मंच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर हैं, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे मंच पर हैं, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मंच पर हैं, अभी कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मंच पर मौजूद थे और उनका भाषण हुआ तो वो विधानसभा की तरफ चले गए। उनका ये कहना था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के जो विधायक हैं सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहन मरकाम जी बड़े नेता माने आया हुआ है, इस पर उनको चर्चा करनी है। हमारे माननीय विजय चंद्र जी और कांग्रेस के विजय जी बोरा साहब और इस तरफ बैठे हमारे माननीय नरेंद्र साहू जी और अमित शुक्ला जी और अरुण बोरा, इसके साथ से उडहरिया हमारे मंच पर मौजूद है। ये मंच के जैसे ही मंच से बड़े नेता निकलेंगे तो यहाँ पर जो सुरक्षा बल लगाए गए हैं तोड़ने के लिए निकलेंगे तो तब के नजारे जो है वो काफी होंगे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने मंच से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आग्रह किया है तो तस्वीरें अब से कुछ देर बाद यहाँ पर थोड़ा उग्र होंगी। आंदोलन कांग्रेस का है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लगभग पहुंचे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा था कि इससे भी बड़ी ज्यादा संख्या हो सकती थी लेकिन पुलिस वालों ने अलग अलग जगह पर बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक दिया है, लेकिन बारिश का मौसम भी उसके बावजूद ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंच में अभी भाषण चल रहा है। भाषण के बाद ये सभी एक रैली की सकू में जहाँ बैरिकेडिंग के पास पहुंचेंगे। अभी पीछे के मेरे आवाज सुन रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उत्साह दिया जा रहा है कि ये बैरिकेडिंग टूटेगी कि नहीं, इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साफ कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ना है। जी और बिल्कुल इस वक्त मैं सुन पा रही हूँ जुल्फिकार, आपके पीछे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट चुके हैं कूच के लिए और साथ ही साथ नारे लगना भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं। देखिए पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से भी रोकने की पूरी व्यवस्था पूरी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए जो कूच के लिए निकलेगी उनकी क्या कुछ रणनीति होगी आगे? कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है कि उनको बैरिकेडिंग तोड़नी है। तस्वीरें फिर से हम दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग की गई नजदीक पहुंच रहे हैं, नेता के पीछे भाषण चल रहा है तो उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है कि विधानसभा घेराव करना है जितना आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके हो जाए। हालांकि विधानसभा पहुंचना इतना आसान नहीं क्योंकि करीब 8 से 9 किलोमीटर पहले ही ये बैरिकेड। जी जुल्फिकार, तो देखिए आप मौके पर मौजूद है, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, अपडेट भी आपसे लेंगे।